नमस्कार न्यूज अपडेटेड 8 માં હું છું ધ્રુવેશ આપની સાથે સમાચારોની શરૂઆત કરીએ લોકસભાના પરિણામ બાદ આજે એનડીએની બેઠક મળશે સરકારની રચના માટે એનડીએની બેઠક આજે મળશે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠક મળશે સાંજે 4 વાગ્યે એનડીએના તમામ નેતાઓ આ બેઠકમાં હાજર રહેશે નીતિશ કુમાર ચંદ્રબાબુ રાયડુ સહિતના નેતાઓ પણ આ બેઠકમાં હાજર રહેશે જો કે એનડીએ સરકાર બનાવવાનો દાવો પણ રજૂ કરી શકે છે तो आज सांजे 4 वागे एनडीए नेताओं बैठक में हाजर रहेशे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आ बैठक मळवानी छे सरकार की रचना माटे एनडीए की आ बैठक आज मळशे लोकसभा चूंटणी नुं परिणाम गईकाले आवी चूक्युं छे अने हवे बैठकोनो दौर पण आजना दिवसे यथावत रहेशे बीजी तरफ इंडिया गठबंधन पण आज बैठक करवानुं छे અને આજ મુદ્દે આપણી સાથે સંવાદદાતા દેવનાથ પાંડે જોડાઈ ગયા છે દેવનાથ લોકસભાનું પરિણામ આવી ગયું હવે આજે એનડીએ પણ બેઠક કરવાનું છે બેઠકનો એજન્ડા શું હશે અને ઇન્ડિયા ગઠબંધન પણ બેઠક કરવાનું છે देखिए बिल्कुल साफ तौर से परिणाम आ चुके हैं और परिणाम जिस तरह से आए हैं वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर कल ही ऐलान हो गया था कि आज मोदी कैबिनेट 11:30 बजे एक बैठक करने वाली है और इस बैठक में नीतीश कुमार होंगे, चंद्रबाबू नायडू होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद आज ही पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं और अपना इस्तीफा सौंप कर आज ही एनडीए की तरफ से सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन उसने भी आज बैठक बुलाई है शाम को और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी इस बात की संभावना से यानी सरकार बनाने की संभावना से अभी इनकार नहीं किया गया है। कल राहुल गांधी जब परिणाम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से सरकार बनाने के सवाल पर यही कहा कि अभी हम इससे इनकार नहीं कर सकते, हम भी अभी बैठक करेंगे, बैठक के बाद काफी सारी चीजें तय की जाएंगी। और साथ ही उद्धव ठाकरे जो इंडिया गठबंधन में आते हैं उन्होंने आज ही यह ऐलान किया है कि हमें अब सरकार बनाने का दावा पेश कर देना चाहिए। तो एक तरफ से देखें बैठकों का दौर चल रहा है, आज एक तरफ एनडीए की बैठक होने वाली है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। अब ऊंट किस करवट बैठता है देखना अहम होगा क्योंकि अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो पूरा बहुमत नहीं है लेकिन फिर भी जो उनके नए पार्टनर हैं उन्हें तलाशने की साफ तौर से कोशिशें की जा रही है और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी साफ तौर से कहा है कि अगर हम अपनी स्ट्रेटजी अभी बता देते हैं तो मोदी जी सतर्क हो जाएंगे। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी विस्तार कार्यालय में जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि सरकार एनडीए ही बनाने जा रही है। खैर अब 11:30 बजे जो बैठक होगी बैठक के बाद काफी सारी चीजें क्लियर और उसके बाद शाम को जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और गठबंधन की बैठक के बाद भी कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस के जो सांसद हैं जो लीडर हैं बड़े बड़े उनके साथ भी बैठक होनी है। यानी अगर हम देखें तो आज का पूरा दिन बैठकों का ही रहने वाला है और बैठकों के बाद ही काफी सारी चीजें क्लियर होंगी कि सरकार बनाने का दावा कौन पेश कर रहा है, इंडिया गठबंधन या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए। जी जी देवनाथ माहिती बदल आभार आपका।